हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक 4 GB की पेन ड्राइव, ISO इमेज और एक PC। चलिए आइए देखते हैं हम सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, CMD सर्च करेंगे। अब इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट, मेरे पास यहाँ पे गिट कमांड भी है लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमें सबसे पहली कमांड चलानी है डिस्क पार्ट। जैसे ही हम डिस्क पार्ट कमांड चलाएंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक एक नई विंडो ओपन होगी। अब जैसे ही हमारी नेक्स्ट विंडो ओपन होती है हम इसमें नेक्स्ट कमांड चलाएंगे लिस्ट डिस्क। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी इसमें स्टोरेज डिवाइस लगे हुए हैं वो हमें शो हो जाएंगे। अब हमारा हमें पेन ड्राइव यूज़ करनी है, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, तो हम पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए कमांड चलाएंगे हम लिस्ट डिस्क, हमें डिस्क वन सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्क वन कर सिलेक्ट करके हमें जैसे ही एंटर हम करेंगे देखिए यह लिखा हुआ है डिस्क वन इज सिलेक्टेड। अब हमें कमांड नेक्स्ट कमांड चलानी है क्लीन। जैसे ही हम क्लीन कमांड चलाएंगे हमारे जो भी पेन ड्राइव में जो भी डाटा सब डिलीट हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे वो है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। इस कमांड का यूज़ करने से हमारी जो पेन ड्राइव है वो प्राइमरी पार्टीशन बन जाती है। प्राइमरी पार्टीशन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसको बूट कराना होता है। जो हमारी सी ड्राइव होती है वो भी प्राइमरी पार्टीशन होती है। अब हमारी USB जो है प्राइमरी पार्टीशन बन गई है। अब इसे हम एक्टिव करेंगे, पार्टीशन जो बनाया हमने वो एक्टिव हो गया। अब हम इसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट के लिए जो हम फाइल सिस्टम यूज़ करेंगे वो होगा NTFS और इसे हम क्विक फॉर्मेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी पेन ड्राइव जल्दी फॉर्मेट हो जाएगी। अगर आप क्विक का यूज़ ना करें तो आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी आप देखेंगे कि मेरी पेन ड्राइव बहुत जल्दी फॉर्मेट हो गई है। फॉर्मेट होने के बाद हम इसे असाइन करेंगे, जिससे क्या होगा ये अब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। असाइन करने से हमारी पेन ड्राइव जो है हमारी इसमें ड्राइव में शो हो जाएगी। ड्राइव में ये देखो आपको चेक कर रहे होंगे नीचे नोटिफिकेशन आ गई है मेरे पास, जो मेरी पेन ड्राइव है वो इसमें शो हो गई है। हम ये फोल्डर हमारी जो ISO है वहाँ पर आ गए हैं। इसमें हम जाएंगे, जो भी हमें विंडो यूज़ करनी है जिससे भी हमें बूटेबल बनानी है वो ISO सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो हम इसमें एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जो हमारा अल्ट्रा ISO का यूज़ करके हम इसे माउंट कर देंगे। जैसे ये हम इसे माउंट करेंगे ये CD की तरह हमारे पास शो हो जाएगी। माउंट ड्राइव किया हमने, अब हम जैसे ही हम डिस्क PC पे जाएंगे तो हमारे ये यहाँ पे देखिए ये हमारी जो ISO फाइल थी वो CD की तरह ओपन हो गई है। हम इसमें जो भी फाइल है सबको कॉपी करके पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे और जैसे ही ये कॉपी प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो इस हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन गई है। तब आप इसे अपने PC में बूट करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।